दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आपका खाता यूनियन बैंक में है तो आप कैसे जो है अपने बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे जो है अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना रहेगा, तो आप लोग बने रहेगा तो मैं आपको एक एक स्टेप बताने वाला हूँ। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको दो नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, दोनों नंबर से आपको कॉल करना है। कभी कभी ऐसा होता है दोनों में से कोई एक नंबर लगे तो फिलहाल आपको दोनों नंबर सेव कर लेना है, और दोनों नंबर लगता है तो आप लोग उस नंबर से कॉल करिएगा। दोस्तों, उस नंबर से जैसे ही आप कॉल करेंगे कुछ ही एक दो घंटे जाएगा, उसके बाद कट जाएगा, उसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में आपको पता चल जाएगा कि हमारे बैंक का बैंक बैलेंस कितना है। तो फिलहाल दोस्तों दो नंबर बताऊंगा, उसके बाद टोल फ्री नंबर भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप टोल फ्री नंबर से जो है कॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको कैसे नंबर निकालना है, यदि आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको दो नंबर प्रोवाइड कराऊंगा तो आप लोग सेव कर लीजिएगा, तो भाई काम आ सकते हैं। उसके बाद टोल फ्री नंबर भी है, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप टोल फ्री नंबर से बात करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे आपको नंबर निकालना है, इसमें आपको लिख देना है यूनियन बैंक बैलेंस मिसिड कॉल इंक्वायरी नंबर। तो हम लिखते हैं यूनियन बैंक, दोस्तों देखिए, उसके बाद हमको सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे दोस्तों, हमको जाना है नीचे, तो आपको यहाँ कई नंबर मिलेंगे। तो फिलहाल आपको यहाँ से बहुत डिटेल्स में नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों देखिए, हम इस पे क्लिक करेंगे यूनियन बैंक बैलेंस चेक नंबर पे। तो जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे, इसमें आपको तीन नंबर शो होगा। तो सबसे ऊपर वाला है टोल फ्री नंबर, कस्टमर केयर नंबर, जो भी आप कह सकते हैं। यदि आपका एटीएम गुम हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप इस पहले वाले नंबर से जो है कॉल कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैं आपको नंबर बोल दे रहा हूँ, कस्टमर केयर नंबर है। यदि आप लोग नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, यही नंबर है 1800 22 2244। जी हाँ दोस्तों देखिए, 1800 22 22 44। जी हाँ दोस्तों, यही नंबर है, आपको सेव कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, दोनों में से कॉल नंबर है, यानी आपका इसी नंबर से जो है बैंक बैलेंस होगा। तो फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको उसी नंबर से कॉल करना है जो नंबर आपके अकाउंट में लिंक है। यदि आपके पास मोबाइल नंबर है, वो नंबर आपके अकाउंट में लिंक है, तभी जो है आपका बैंक बैलेंस होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, फिर बाद में ये ना कहें कि हमारा बैंक बैलेंस शो नहीं हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, मिस्ड कॉल जब आप मारते हैं तो कुछ ही घंटे कुछ दिन तक, कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप मिस कॉल करते हैं या कॉल करते हैं, कुछ घंटे में जो है आपका मैसेज आएगा। तो भाई आप लोग परेशान मत होइएगा, तो आप लोग चेक करते रहिएगा। फिलहाल दोस्तों ये नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये देखिए, यही नंबर है 09223008486। जी हाँ दोस्तों, यही नंबर है। उसके बाद ये देखिए, मैं आपको नीचे वाला नंबर बता दे रहा हूँ, तो आपको नोट कर लेना है 9223008586। दोस्तों देखिए, यही नंबर है 9223008586। जी हाँ दोस्तों, यही नंबर है, ये नंबर आपको सेव कर लेना है, आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, जो भी था मैंने आपको बता दिया है। जय हिंद।